धनबाद जिले में आस्था का महापर्व छठ मनाया जा रहा है। विभिन्न छठ तालाब में भगवान भास्कर की प्रतिमा स्थापित की गई है। जिले के भीम कनाली बाबा स्टैंड छठ पूजा कमेटी ने एक अनोखा पंडाल बनाया है। पंडाल में पिछले साल कोरोना की लहर से लोगों की परेशानी, लापरवाही करने पर पुलिस की सख्ती एवं कोविड अस्पताल दिखाया गया। वही बीमारी के कारण लोगों की पैदल घरों की वापसी से लेकर ट्रेन से मजदूरों के अपने घर वापस आने के दृश्य बनाए गए। वहीं वैक्सीन आने पर डॉक्टर द्वारा लोगों को वैक्सीन लगाने के दृश्य को दिखाया गया। पूजा कमेटी के लोग पूरी तैयारी पूजा को लेकर किए हैं। कमेटी के बबलू मेहता, डब्लू मेहता, विपिन सिंह, रंजीत रवानी, अजीत साव, जनक कश्यप, शैलेंद्र चौहान, शक्ति चौहान आदि बढ़कर काम कर रहे हैं। वहीं पूजा कमेटी के सदस्य बबलू मेहता ने बताया कि इस बार पंडाल में कोरोना की लहर से लोगों की परेशानी से लेकर आज वैक्सीन आने पर लोगों को वैक्सीनेशन लेते दिखाया गया। यह सोच पिछले साल ही आई थी, लेकिन पिछले साल सरकार ने आदेश नहीं दिया था कि तालाब में कोई खास पंडाल बने, लेकिन इस बार इस दृश्य को दिखाकर लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया गया। लोगों को संदेश देने का प्रयास है कि लापरवाही करने पर फिर वही स्थिति आ सकती है। प्रशासन के माध्यम से पिछले साल हम लोग को गाइडलाइंस के दिए हुए थे कि इतने बड़ी आयोजन आप नहीं कर सकते, मगर इस बार सरकार आयोजन करने के लिए छूट मिला, और ये छूट मिलने के बाद हम लोग इस पिछले साल का जो दिमाग में बैठा हुआ था कि इतना बड़ा वैश्विक महामारी के दृश्य को दर्शाने के लिए, समाज में थोड़ा सा जागरूक करने के लिए अपनों में, अपने समाज को कि कोरोना के प्रति लापरवाही ना, कोरोना के प्रति लापरवाही ना बरते कि फिर ये दृश्य दोबारा आ ना जाए, और वैक्सीनेशन पे ध्यान, हाँ, और सभी वैक्सीनेशन पे ध्यान दें, सभी लोग लगाएं वैक्सीनेशन, और इससे निजात मिल सकता है। हाँ, तभी इससे कोविड से निजात मिल सकता है।